सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL में कर्मचारियों पर सैलरी संकट मंडराने लगा है, जिसके चलते कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही कंपनी को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया है। बता दें कि कंपनी के पास फिलहाल कर्मचारी को जून माह के लिए सैलरी देने के भी पैसे नहीं हैं। BSNL के इंजीनियरों का कहना है कि कंपनी को फिर से खड़ा किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल BSNL पर कोई कर्ज नहीं है और उसकी बाजार हिस्सेदारी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड टेलीकॉम ऑफिसर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कंपनी के वित्तीय संकट को दूर करने के लिए बजट समर्थन दिए जाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि वित्तीय संकट के चलते कंपनी का परिचालन भी प्रभावित हो रहा है। पत्र में कहा गया है कि हमारा मानना है कि मौजूदा नकदी संकट को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाले न्यूनतम समर्थन में भी BSNL को एक बार फिर से मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में शामिल किया जा सकता है। बता दें कि BSNL में फिलहाल 1.7 लाख कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। कंपनी को फरवरी में भी वेतन देने में परेशानी का सामना करना पड़ा था। वहीं सरकार की ओर से कंपनी को पिछले माह ही बैंकों से कर्ज दिलाने के लिए गारंटी पत्र जारी किया गया था। आर्थिक संकट से जूझ रही कंपनी को इससे काफ़ी सहूलियत मिलने की संभावना जताई जा रही है। इधर एसोसिएशन ने BSNL में कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन आधारित व्यवस्था बनाए जाने की मांग की है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।